बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी काउंटर एग्जांपल भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए कि व्हेन अ फंक्शन इज़ नॉट अ होमोजीनियस। तो अब होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री जब कैलकुलेट करनी हो तो उसका मेथड यह है कि हमने एक्स को जो है टी एक्स और इसी तरह वाई को टी वाई से रिप्लेस कर देना है। और ऐसे में हमारे पास वापस जब फंक्शन आ जाए तो जो टी की पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगा। अब एग्जांपल्स देख लें। हमारे पास लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास एक फंक्शन है स्केयर रूट एक्स वाई। अब इसकी हमने डिग्री चेक करनी है और आ देखना है कि ये आया होमोजीनियस है कि नहीं है, यानी हम एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई से रिप्लेस करें। तो ऑब्वियसली इधर भी हम जब चेंज करेंगे एक्स टी एंड वाई टी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टी स्केयर एंड एक्स वाई, टी स्केयर जो स्केयर रूट से बाहर आ गए स्केयर रूट एक्स वाई। अब ये स्केयर रूट एक्स वाई जो है वो अगेन एफ ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर हमारे पास ये जो है फंक्शन इट इज़ होमोजीनियस। ऑफ डिग्री वन, क्योंकि टी की पावर जो है यहाँ पर हमारे पास वन है, इसलिए ये है हमारा फंक्शन होमोजीनियस भी है और उसकी डिग्री जो है वो वन है। इसकी मज़ीद हम एग्जांपल्स देख लें। अब यहाँ हमें फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नोमरेटर में एक्स टेन प्लस वाई टेन है। तो आई चेक करने के लिए कि ये होमोजीनियस है, हम एक्स की जगह पर एक्स टी एंड वाई की जगह पर वाई टी जब रिप्लेस करेंगे देन वी हैव एक्स टी पावर 10 प्लस वाई टी पावर 10 और ओवर में इसी तरह एक्स टी स्क्वेयर प्लस वाई टी होल स्क्वेयर। अब ऊपर से हमारे पास टी पावर 10 जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी रह बच जाता है अगेन एक्स 10 प्लस वाई 10 और नीचे से हमारे पास डिनोमिनेटर में टी स्केयर कॉमन आता है, बाकी रह जाता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगेन ये हमारे पास टी की पावर 8 बन जाता है एंड एक्स 10 प्लस वाई 10 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन वापस उसी फॉर्म में आ गया जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, यानी टी पावर 8 ही है और ये एफ ऑफ एक्स वाई है। तो अगेन इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 8। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन एग्जाम्पल हो, इसी तरह अगर हमारे पास अब ये अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसमें हम एक्स की जगह एक्स टी एंड वाई की जगह वाई टी जब रिप्लेस करेंगे देन वी हैव एक्स 8 टी 8 प्लस वाई 10 टी 10 ओवर एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब ऊपर से है तो हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है टी 8 और बाकी हमारे पास एक्स 8 प्लस वाई 10 टी टी स्क्वेयर बच जाता है और नीचे से हमारे पास ये टी स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो ये कैंसिल होकर ये टी 6 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो वापस एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में नहीं आया रहा, जबकि यहाँ पर टी इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में नहीं बन पाया, इस वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स 8 है और यहाँ वाई 10 है।
यहाँ पर हमारे पास वापस फंक्शन इस पहली फॉर्म में नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो होमोजीनियस नहीं है। अब इसी तरह कुछ हम होमोजीनियस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कर लें ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट हो जाए। अभी हमारे पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो इसमें भी हम जब एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स टी एंड वाई को वाई टी से, देन साइन एक्स टी ओवर वाई टी, ये ऊपर नीचे से टी जो है वो कैंसिल आउट होके रिमेनिंग आ जाएगा साइन एक्स ओवर वाई, और यहाँ पर बाहर हम टी की पावर 0 एंड साइन एक्स ओवर वाई लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास, क्योंकि टी पावर 0 मीन्स 1 होता है, तो टी यहाँ से तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, टी पावर 0 इज इक्वल 1। तो यहाँ हमारे पास जो है ये 0 आ गया है, क्योंकि तो यहाँ पर है कि फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0।